हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो हम जो है हमारे जो मैट्रिक्स चैप्टर बीकॉम फर्स्ट ईयर में चैप्टर नंबर 5 उसका जो है यहाँ पे क्वेश्चन सोल्व करने वाले हैं। इस क्वेश्चन में आप देख सकते हो हमें x प्लस वाई इज इक्वल टू मैट्रिक्स और x माइनस वाई इज इक्वल टू मैट्रिक्स गिवन है और इसके अंदर हमें जो है x और y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो जब भी आपके सामने इस टाइप का क्वेश्चन आएगा आपने क्या करना है, उसके अंदर एलिमिनेशन मैथड को यूज़ करना है। एलिमिनेशन मैथड हम कैसे यूज़ करेंगे वो हम जो है इस वीडियो में आज सीखेंगे। फिर इस टाइप के 2-3 क्वेश्चन और मैं आपको कराऊंगी। ये इस टाइप का सबसे इजी क्वेश्चन है, इससे थोड़ा सा मुश्किल है जो आपके एग्जाम में आ सकता है वो मैं इसे नेक्स्ट वीडियो में करवाऊंगी। सो इसमें आप देख सकते हो एलिमिनेशन मेथड में क्या होता है, हमें कोई भी दो वैल्यू या तो एक्स एक्स वेरिएबल वाली या तो वाई वाई वेरिएबल वाली सेम करनी होती है। और इस वीडियो में ऑलरेडी एक्स के आगे भी कुछ नहीं है, वाई के आगे भी कुछ नहीं है और सेम यहाँ पे सिचुएशन है। तो यहाँ पे एक्स एक्स की वैल्यू वाई वाई की वैल्यू ऑलरेडी सेम है। उसके बाद सेकंड चीज़ हमें क्या देखनी होती है कि इनके आगे पॉजिटिव साइन है या तो नेगेटिव, तो हमें अपोजिट साइन लेने होते हैं। तो यहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव हमारे पास दोनों हैं और वैल्यू भी सेम है, तो इसके अंदर हमें कुछ भी चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। तो सबसे पहले आपने ये इक्वेशन एज इट इज़ लिख लेनी है। इसके बाद क्या करना है, देखो यहाँ पर ये प्लस का वाई है, ये माइनस का वाई है, ये आपस में क्या हो जाएगा, कट हो जाएगा। एक्स और एक्स, जब हम एक्स और एक्स को ऐड करते हैं तो ये क्या बनेगा, 2x बनेगा। देखो जब हम x और x की मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या बनता है, एक्स स्क्वेयर बनता है, और x और x को ऐड करेंगे तो क्या बन जाएंगे, 2x बन जाएंगे, इज इक्वल टू दिस मैट्रिक्स प्लस दिस मैट्रिक्स। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 5209 प्लस 360 माइनस 1। अगर यहाँ पे हमें साइन स्विन चेंज करते जो कि आपको इससे नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी, तो यहाँ पे माइनस का साइन हो जाता। अब यहाँ पे हम जो है कोई भी साइन नहीं है तो हम यहाँ पे प्लस का साइन लेंगे, ठीक है। सिंपल आपने इतना लिख लेना है। फिर उसके बाद 2x इज इक्वल टू मैट्रिक्स, जो एडिशन होता है कि अगर हमारे पास दो मैट्रिक्स है उनको किस तरीके से ऐड करना है वो हम जो है इससे लास्ट वाली वीडियो में ऑलरेडी कर चुके हैं। तो अब हम क्या करेंगे, 5 + 3 कितना हो जाएगा हमारा, 8, 2 + 6, 8, जो सेम पोजीशन पे है उन एलिमेंट्स का जो हमने एडिशन करना है। 0 में 0 को ऐड करेंगे 0 ही रहेगा। 9, यहाँ पे ये प्लस है बट यहाँ पे माइनस का 1 है, तो 9 - 1 क्या हो जाएगा हमारा, 8, राइट। अब ये 2x, यहाँ पे x और 2 आपस में किस चीज़ में है, मल्टीप्लाई में। तो जब हम यहाँ पे 2 की साइड चेंज करेंगे तो 2 इस साइड आके क्या हो जाएगा, डिवाइड, अब यहां पे देखो 2 क्या है, डिवाइड में। तो जब हम जो है मैट्रिक्स के बाहर कोई भी चीज डिवीजन में होती है तो अंदर जाके वो सारे एलिमेंट से डिवाइड हो जाती है, यानी जो ये वाला 2 है ये 8 से भी डिवाइड करना है, 0 से भी, जितने भी एलिमेंट है सबसे कर देंगे। तो यहां पे हमारे पास एक्स की वैल्यू आ जाएगी 2 × 4 = 8, 0 को किसी भी नंबर से डिवाइड करते तो हमेशा क्या आता है, 0, 2 × 4 = 8, 2 × 4 = 8। तो ये हमारे पास किस चीज़ की वैल्यू आ गई है, ये हमारे पास अभी x की वैल्यू आई, बट क्वेश्चन में हमें क्या बोला था, x और y जो है दोनों चाहिए। तो अभी हमारे पास x की वैल्यू आ चुकी है, अब हम y की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। y की वैल्यू आपने कैसे फाइंड आउट करनी है, हमारे पास जो 2 इक्वेशन थी किसी भी एक इक्वेशन में आप x की वैल्यू को पुट कर दीजिए और फिर वहाँ से हमारे पास y की वैल्यू आ जाएगी। तो हम कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, हम पहले जो है इनमें से कोई भी एक इक्वेशन लिख लो, x प्लस वाई इज इक्वल टू 5209, ये थी हमारी फर्स्ट इक्वेशन। अब इसमें हम क्या करेंगे, x की वैल्यू को पुट करेंगे, x की वैल्यू हमारे पास क्या आई है, 4044 प्लस वाई इज इक्वल टू 5209, ठीक है। हमने कुछ नहीं करा, हमने क्या करा है यहाँ पे सेम इक्वेशन को उठाया है, हमें एक्स की वैल्यू मिल गई थी तो एक्स की वैल्यू इसके अंदर पुट कर दी और अब हम किसकी वैल्यू निकालेंगे, वाई की निकालेंगे। देखो ये वाली वैल्यू जो इस साइड प्लस में है, इसके आगे कोई साइन नहीं, मतलब ये प्लस में है, तो उस साइड जब हम साइड चेंज करेंगे तो ये उस साइड जाके क्या हो जाएगी, माइनस। अब सिंपल हम माइनस कर देंगे, 5 में से 4 गया 1, 2 इधर माइनस का है, 2 - 4, खुद देखो आप 2 - 4, 4 जो है वो
बड़ा नंबर है एज कम्पेयर टू टू और इसके आगे माइनस का साइन है, तो प्लस माइनस माइनस होता है, चार में से दो गए दो, बट साइन हमने कौन सा लेना, बड़ी वाली वैल्यू का, चार के आगे माइनस का साइन है तो यहाँ पे साइन आएगा माइनस का। जीरो में से जीरो जाएगी, जीरो ही बचेगी, और नाइन में से फोर गए, कितने बचे हमारे पास, फाइव। तो ये हमारे पास आ गई है y की वैल्यू। तो पहले हमने x की वैल्यू निकाली, फिर हमने y की वैल्यू निकाली। तो क्वेश्चन में हमें क्या फाइंड आउट करना था, x और y की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी, जो हमारी फाइंड आउट हो चुकी है। सो गाइज, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी डाउट है, ठीक है, तो आप मुझे बता सकते हो कमेंट बॉक्स में, वही क्वेश्चन का सोल्यूशन मैं आपके सामने लेके आऊँगी। बाय बाय, टेक केयर, हैव अ गुड डे।